रेखा मंडलकर गायत्री की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं, गायत्री की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो आज है 18th of May और आज के इस वीडियो में कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करने वाली हूँ। बट आज के इस वीडियो में होने वाला है स्टोरी टेलिंग, जैसे कि मैंने कैप्शन में डाला था, नहीं कैप्शन नहीं, जैसे कि मैंने टाइटल में डाला था आज का वीडियो स्टोरी टेलिंग होने वाला है। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग में हम कल जो कुछ भी हुआ वो लिखते हैं, उसी तरह से कल जो कुछ भी हुआ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो मैंने कल व्लॉग नहीं किया, क्यों नहीं किया वो बताती हूँ, बट मैंने जो कुछ भी हुआ वो शूट करके रखा है, बिकॉज मुझे दिखाया था। और ये व्लॉग नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है, जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको स्टोरी के हिसाब से बताते जाऊंगी। आज है 18th May और कल था 17th May, तो कल आई थी। सो जो टोकते ताई आई थी उसने सबको ठोक कर रख दिया था, मैं साइक्लोन के बारे में बात कर रही हूँ। कल मुंबई में 17th May, तो कल 17th May को मुंबई में साइक्लोन आया था जिसका नाम है टोकते साइक्लोन। और हाँ, ऐसे ही कुछ तो अजीब नाम है, और इस अजीब नाम के पीछे भी कोई रीजन है, और वो रीजन हम बाद में देखते हैं क्या रीजन है। सो सबसे पहले मुंबई में कल टोकते ही साइक्लोन आया था जिसने पूरा नुकसान करके रखा है, बहुत जगह पे बहुत कुछ हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया बीचेस के साइड पे, वो साइड पे, तो मुंबई साइड में कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया है। बट इस बार जैसे लास्ट ईयर हुआ था, फुल अपडेटेड वर्जन है ये, दिस ईयर 2021 पूरा 2020 के जैसा ही है। बट लास्ट ईयर जो साइक्लोन आया था निसर्ग साइक्लोन, उसमें हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। बट इस साल मेरे घर के आजू बाजू में भी नुकसान हुआ ही है, पहले कभी ज्यादा देखा नहीं था, बट इस बार बहुत कुछ देख लिया। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस है जो मैंने निकाले हैं, और कुछ मेरे पास आए हैं, सो वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। कौन से स्टेट का है, कब हुआ है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहले मेरे घर के सामने वाला वीडियो देखते हैं, मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, बट मैंने वो टाइम पे व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि कल पूरा दिन लाइट गया था और मस्त वेदर था, तो सो मैं वो वेदर को एंजॉय कर रही थी और आई डिडंट व्लॉग। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे घर के सामने वाला जो कुछ भी हुआ आजू बाजू में जितना मैंने रिकॉर्ड किया वो दिखाती हूँ, और साथ ही साथ कैसे हुआ वो सब भी बताती हूँ, कितने बजे हुआ, कब हुआ, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स सी मेरे घर के सामने वाला व्यू। ये वीडियो तो 15 मई का है, और 15 मई को रात को इतनी जोरदार बारिश अचानक चालू हो गई थी, पूरा आधा घंटे तक ये बारिश चालू ही थी, और ज्यादा इसका वीडियो नहीं निकाला क्योंकि अंधेरा था, पूरा लाइट वगैरह गई थी तो कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए जितना हो सका उतना कोशिश की वीडियो निकालने की। 16 मई को तो कुछ हुआ नहीं, बट 17 मई को मॉर्निंग में इतना मस्त वेदर था, आप आगे वीडियो में देख सकते हो, वेदर आप देख सकते हो इतना मस्त था, पूरा क्लाउडी वेदर था और बहुत चांसेस थे बारिश होने का, बट बारिश शाम को हुई, पूरा सुबह से लेके दोपहर तक इतनी जोरदार हवा चल रही थी, और वो हवा के वजह से इतना नुकसान हुआ है वो आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वो रूफ दिखाया बिल्डिंग के ऊपर का, वो आप देख सकते हो अभी तो ठीक है, बट बाद में वीडियो में देखते जाना आप, एंड तक इस वीडियो को देखना पूरा, वो जो विंड के वजह से जो साइक्लोन आने वाला है उसकी वजह से वो पूरा बेंड हो गया है और आधे पत्रे तो उड़ गए हैं, तो वो आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। तब तक आप देखिए, ज्यादा नहीं बट थोड़ी नॉर्मल हवा चल रही थी जिस वजह से ये ट्रीज वगैरह मूव हो रहे थे, और उसके साथ मैंने टाइम लैप्स भी लिया है जो आप अभी देख सकते हो, बहुत अच्छा वेदर था और क्लाउड्स भी बहुत थे, तो सोचा मैंने टाइम लैप्स क्यों ना लिया जाए। ऊपर रूफ देख रहे हैं, ये पहले से ही लूज था इसलिए वो इतना मूव हो रहा है, बट विंड के वजह से, साइक्लोन के वजह से इतना ज्यादा मूव हो रहा था कि दोनों साइड के जो रूफ है वो हिलने लगे, एकदम बैंड के जैसा उसका आवाज आ रहा था। उसके बाद आप राइट एंड लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, वो अच्छे थे सुबह जो मैंने दिखाए थे, बट विंड का पावर इतना है आप देख सकते हो, पूरा बेंड हो गया, और कुछ देर बाद 3 बजे के बाद वो भी पूरा उड़कर चला गया था। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, वो लोग ने ट्राई किया बहुत बट कुछ हुआ नहीं, वो लोग ने सब रस्सी से बांध कर भी रखा था बिल्डिंग वालों ने, से विंड इतनी चल रही थी साइक्लोन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे घर के आजू बाजू वाला व्यू, पूरा कचरा हो गया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, चिक्खल बोलूँगी मैं, सो ये ट्रीज वगैरह भी बहुत हिल रहे थे, इतनी एयर थी, और दूसरे जगह पे तो ट्रीज बहुत गिर भी गए, बहुत सारा कुछ कुछ हुआ है, बट ये मेरे घर के आजू बाजू वाला व्यू है जो मुझे दिखाना था। सो इस तरह से आप देख सकते हो रूफ उड़ गया है।
सोया। तो ये जो कुछ भी आपने वीडियो देखा वो उल्लासनगर का था। उल्लासनगर में, अंबरनाथ में, बदलापुर में, कल्याण, थाने में, बहुत सारे जगह पे बहुत कुछ हुआ है। मुंबई साइड तो और ही बहुत कुछ हुआ होगा, मुंबई साइड का इतना पता नहीं, बट जो कुछ वीडियो आए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। सो बहुत जगह पे लाइट का पोल्स गिर गया है, दो दो दिन तक लाइट नहीं आई थी लोगों के यहाँ पर। हमारे यहाँ पर भी फुल डे कल लाइट गया था, रात को आया है लाइट। बहुत लोगों के घर के ऊपर के छत उड़ गए हैं, किसी के कार पे, ऑटो पे, ट्री गिरने की वजह से वो पूरा डैमेज हो गया है, लोगों की डेथ हुई है, बहुत लोग इंजर्ड भी हुए। तो ऐसे बहुत सारा नुकसान हुआ है कल मुंबई में। और आज है 18th of May, बट आज का जो वेदर है नॉर्मल है, ज्यादा बारिश ही नहीं है, आज बारिश हुई ही नहीं है, हवाएं भी नहीं चल रही है, धूप भी नहीं है, बट सब नॉर्मल है, अभी शांत है। अच्छा हुआ यहाँ से निकल गया, बट अभी मुंबई से साइक्लोन निकल गया, आई थिंक ये गुजरात में गया है, बट वहां पर भी बहुत नुकसान हो रहा है। कल ही वहां पर कुछ आया था, सो बहुत जगह पे अभी वो अलग अलग स्टेज में जा रहे। सो मुंबई से पहले वो कोकण साइड में था, गोवा साइड में था, और वहां का भी वीडियो मेरे पास आया हुआ है, सो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। पानी का वेव्स देख सकते हो आप कितना ज्यादा है। वो जो वहाँ पर खड़ी है उसे बार्ज बोलते हैं, और वो भी पूरा डैमेज हो गया, उसके अंदर भी पूरा पानी भर गया, जिसके कारण वो डैमेज हो चुका है। ये भी आप देख सकते हो पूरी तरीके से अंदर डूब चुका है। ये है गोवा का वो साइक्लोन का कंडीशन, सुबह 6 बजे से चल रहा है, अभी का करीब 1 बजे है गिरने को आया है, पूरी शेड डैमेज हो गई है। ये गोवा साइड का फुटेज था, और ये बीचेस वगैरह वहाँ पर ज्यादा है, तो ये जो नुकसान है वो वहाँ पर होगा ही ज्यादा, क्योंकि बट वो लोग को पहले ही सब अलर्ट कर दिया था क्या होने वाला है, डेंजर जोन अलर्ट कर दिया था, बिकॉज बीचेस साइड है और वहाँ पर फिशिंग बहुत लोग करते हैं, और बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया है। वीडियो का यही स्टोरी थी जो कल हुआ, उतने वीडियोस मैंने निकाले थे, सो वो आप सबको दिखा दिया। और बाकी जो मैंने बोला था, ये जो साइक्लोन का नेम है टाउटे, उसका मीनिंग क्या है और उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो अभी हम पढ़ के देखते हैं। टाउटे इज द मीनिंग ऑफ लिजर्ड, इज द नेम ऑफ लिजर्ड भोरपड इन म्यांमार। इट इज बिलीव टू बी अ वेदर फोरकास्टर। देयर आर टू वर्ड्स, टाउप विच मीन्स रेन। ओके, सो ये जो नेम है टाउटे, इसमें दो वर्ड, एक टाउप और एक टे। टे मतलब विंड, मतलब हमारे यहाँ पर जो 4 बजे तक इतना जोर जोर से हवा चल रहा था उसका मतलब यही था, उसका मतलब टे था, और जो उसके बाद बारिश हुई उसका मतलब टाउप, और ये दोनों मिला के टाउप टे होता है, बट इसको टाउप टे प्रोनाउंस नहीं करते, इसमें जो के है वो साइलेंट है, इसे टाउप टे करके ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। सो इफ इट स्टॉप एट टाउप इट मीन्स मोर रेन विल कम, बट इफ इट स्टॉप एट टे मोर विंड विल कम। और इसपे एक गाना भी है म्यांमार में, तो यहाँ पर जानवी भी मेरे साथ बैठी है, और ये जो मैसेज आया है उसमें एक सॉन्ग भी है 4 लाइन का, जो कि म्यांमार में बोला जाता है, और उसमें टोकटे वर्ड है, सो वो ही गाना भी जानवी आपको बोलकर दिखाएगी। कुछ 2 ही लाइन है, पूरा गाना भी होगा, बट इस मैसेज में सिर्फ 2 ही लाइन दिया गया है। मोले वाटा भेदे हो टोकटे को लेपो, मीन्स वेदर फोरकास्टर लिजर्ड स्पीक्स अ लॉट। हाँ, तो यही कुछ सॉन्ग है वहाँ पर, 2 ही लाइन का है, इसमें 2 ही लाइन दिया गया है। तो इन शॉर्ट में बता दूँ तो ये जो टाउटे जो वर्ड है, साइक्लोन का नाम है, वो एक लिजार्ड का नाम है, घोरपट लिजार्ड का नाम है, म्यांमार में ये माना जाता है। सो इतना ही था ये मैसेज में, आप यहाँ पर देख सकते हो, वो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगी, आप तब पढ़ लेना। तो यही एक अजीब सा नाम है, पहली बार पता चला लिजार्ड के भी नाम होते है। तो यही था ये वीडियो में स्टोरी टेलिंग, जो भी वीडियो था वो यही था। अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो शायद से मैं ट्राई करूंगी एक 12 आवर्स वाला चैलेंज वीडियो हो। सो या हम करेंगे वो, ट्राई करेंगे वो चैलेंज वीडियो ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर करके जाना, कमेंट भी करके जाना, और
और सब्सक्राइब भी करके जाना, और सामने एक बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो यस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय।